शिमला धर्मशाला फोर लेन की जद में आ रहे कांगड़ा उपमंडल के ललहेड़ गांव के लोगों ने सरकार से उन्हें ना उजाड़ने की गुहार लगाई है। उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला पहुंचे ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें नोटिस जारी करके 60 दिन के भीतर मकान खाली करने को कहा गया है। इतने कम समय में वे कहाँ बसेंगे और कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमें पहले भी पौंग डैम के चलते विस्थापित होना पड़ा था, वहां से आकर यहाँ बसे तो अब पुनः ही हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट रूप से कहना था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे चक्का जाम करने और भूख हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पहले जो फोर लेन का सर्वे हुआ था वो ठीक था, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर फिर से सर्वे किया गया, जिसमें उनके मकान भी फोर लेन की जद में आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से सरकार व प्रशासन को कई बार वे अपनी समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि ललहेड़ गांव के 15 परिवार हैं जिनके मकान व भूमि फोर लेन की जद में आ रहे हैं, जबकि उन्हें मकान खाली करने का जो समय दिया गया था उतने समय में उनके लिए दूसरी जगह बसना बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें फिर से ना उजाड़ा जाए। ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि जो भूमि फोर लेन के लिए वर्तमान में चिन्हित की गई है उसके साथ लगती भूमि पर यदि फोर लेन बनता है तो सरकार का खर्च कम होगा और वे विस्थापित होने से भी बच जाएंगे। ललहेड़ गांव की निवासी सुमन ने कहा कि हमारे घर फोर लेन की जद में आ रहे हैं, पहले ही हम पौंग बांध विस्थापित हैं, ऐसे में फोर लेन के कारण उन्हें फिर से उजाड़ा जा रहा है। सरकार से मांग करते हैं कि हमें ना उजाड़ा जाए, यदि फिर भी उन्हें उजाड़ा जाता है तो ग्रामीण चक्का जाम करने व भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम फोर लाइन की जद मार रहे हैं, जो फोर लाइन बन रहा है, जो शिमला नेशनल हाईवे बन रहा है ना, वहाँ से आए वो, उसकी जद में हमारे मकान आ रहे हैं और हम इनके पास ये डीसी साहब से गुहार लगाने आए हैं कि हमारे मकान बचा लिए जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे मकान बचने चाहिए। ये हम डैम ओस्ती दोबारा से हम निर्वस्थापित हुए हैं और हमें दोबारा से फिर उजाड़ा जा रहा है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारे मकान नहीं जाने चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। ये बोल रहे हैं 60 दिनों में हमें नोटिस आ गया है कि 60 दिनों में अपना मकान खाली करो। तो हम बीमार थोड़ी हैं सर कि हमें कोई बीमारी होगी और हम 60 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि आशियाना उजाड़ दें किसी का। कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं इनसे, हमें हमारे घर नहीं उजाड़ने चाहिए। कहीं मर्जी से सड़क बनाए, सड़क जरूरी भी है सड़क बनना, पर सड़क हमारे गांव से नहीं बननी चाहिए। जो हमारे घर आ रहे हैं उसकी जद में बस बार कहीं मर्जी से चले जाएं, पर हमारे घर नहीं जाने चाहिए। हम बार बार घर नहीं बना सकते, हमारा कोई सरकारी मुलाजम नहीं है, हमारे बच्चे शादी के लायक हो गए हैं ना ही, तो उसमें हमें कोई रोजगार है, हमने खुद अपने बच्चों को रोजगार रखा है, सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, ना ही तो हमारे पास कोई डीसी आया, ना ही तो SDM आए, कोई भी हमें प्रशासन का कोई भी बंदा हमारे पास कोई देखने नहीं आया कि इनको क्या तकलीफ है, क्यों बार बार ये जा रहे हैं इधर। हम जनवरी महीने भी आए थे, ये बोल रहे थे कि हम आएंगे देखने, कोई भी नहीं आया। उधर DC साहब भी बोल रहे थे कि हम, पता नहीं जनवरी की 17 तारीख को बोला था कि हम आएंगे, वो भी नहीं आए, कोई नहीं आ रहा है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं सर कि हमारा इतना परिवार उजड़ रहा है और हमारे सभी घर हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे बच्चे तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। ऐसे सरकार ऐसा करे कि हमें खुद को सभी को गोली मार दे तो ठीक है। 15 फैमिलीज हैं। ललहेड़ गांव के निवासी सतीश कुमार का कहना है कि हमारे गांव में 15 परिवार फोर लेन की जद में आ रहे हैं। सरकार से पहले भी मांग की गई थी कि उन्हें ना उजाड़ा जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए आज फिर से जिला प्रशासन से वे गुहार लगाने आए हैं, क्योंकि अब उन्हें 60 दिन का मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। हमारी मांग ये है कि हमें NH मटोट शिमला में हमारे मकान आ रहे हैं, उनको बचाया जाए। हमारे 15 परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं जी, और हमारी जो सारी ज़मीन है वो सारी उसमें आ रही है, हमारे पास दूसरी कोई ज़मीन भी नहीं है। या तो हमें सरकार ज़मीन दे दे तब अपना NH बना ले, और बिना ज़मीन के हमें ये NH मंजूर नहीं है जी। अभी तक सरकार ने हमें कुछ भी मुआवजा नहीं दिखाया है। परसों हमें एक इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम पटवारी से करवाई है कि आप 60 दिन में अपने मकान खाली कर दो, जो कि हमें मंजूर नहीं है।